इस थंबनेल पर क्लिक करने का सीधा सा मतलब कि तुम पुशअप लगाते तो हो या लगाना चाहते हो, बट कहीं तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होके तुम्हारी हाइट ना रुक जाए, इस डर की वजह से तुम पुशअप लगाते ही नहीं हो, या लगाते हो तो भी सोच सोच के लगाऊं या ना लगाऊं, हाइट रुक गई तो, कहीं मैं अपने दोस्तों से छोटा रह गया तो, बेइज्जती हो जाएगी ना यार, चलो रहने देते हैं फिर कभी देख लेंगे। सो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स एंड फुली कंफ्यूजन से भरे व्यूवर्स के लिए, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो तुम हाइट बढ़ाना चाहते क्यों हो, लाइक गोल क्या है तुम्हारा हाइट बढ़ाने का, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे चाहे तुम्हारा गोल आर्मी में भर्ती होने का हो या एक फिट बॉडी पाने का हो, पुशअप एंड स्क्वाट्स ये दो मेन ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग सिखाई जाती है, राइट? और अगर पुशअप एंड स्क्वाट लगाने से हमारी हाइट रुकती तो आज हमारे देश के जवान इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ना होते, वो भी 4-4.5 फुट के होते ना। तो अभी अभी मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली बताया कि पुशअप करने से हाइट तो नहीं रुकती, पर स्टिल पुशअप एंड स्क्वाट्स ये दोनों ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स को फ्यूज करके तुम्हारी हाइट को भी रोक सकती हैं। अगर तुम टीनेजर हो, लाइक 19-20 के अंदर हो, तो कॉमन सी बात है कि तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स ओपन ही होंगे, पर बाय मिस्टेक अगर तुम स्पाइन को कंप्रेस करने वाली कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाएंगे एंड बस चाहे फिर तुम लटकते रहना, तुम्हारी हाइट तो नहीं बढ़ने वाली। तो बेसिकली 2010 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने जब इस टॉपिक पे स्टडी की, क्या वाकई में पुशअप करने से हाइट रुकती है, तो स्टडी ये बताती है कि पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि मेजरली टारगेट करती है तुम्हारी चेस्ट मसल को, ट्राइसेप्स, शोल्डर, बैक एंड कोर मसल को, एंड ये एक्सरसाइज तुम्हारी स्पाइन पर कोई प्रेशर नहीं डालती जिससे कि तुम्हारी हाइट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े। पर हाँ, अगर तुम अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा वेट रखकर पुशअप लगाते हो तो चांसेस आर हाई कि इससे तुम्हारी हाइट रुक सकती है। सेम फॉर्मूला स्क्वाट्स पे भी अप्लाई होता है कि विदाउट वेट तुम सिर्फ ऐसे ही बॉडी वेट से स्क्वाट्स लगाते हो तो तुम्हारी हाइट पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन फंडा है तुम्हारी स्पाइन का कि इस पे कोई ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, तुम्हारी स्पाइन कंप्रेस ना हो, बस तुम लटको, उछलो, कूदो, भागो, जो भी करो, बट इस पे कोई ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी स्टडी ये प्रूफ कर ही चुकी है कि पुशअप से कोई स्पाइन पर प्रेशर नहीं पड़ता। तो चाहे अब तुम नॉर्मल पुशअप लगाओ, इनक्लाइन पुशअप लगाओ, डिक्लाइन पुशअप लगाओ, यहाँ तक कि सिंगल हैंड पुशअप लगाओगे तो भी तुम्हारी हाइट नहीं रुकने वाली। वैसे अपर बॉडी को ट्रेंड करने के लिए पुशअप वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है एंड लोअर बॉडी को ट्रेंड करने के लिए स्क्वाट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। बस वेट का ध्यान रखना, विदाउट वेट सिर्फ बॉडी वेट से ही इन दोनों एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। बाकी वेटेड स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, डंबल प्रेस, बारबेल प्रेस, ये एक्सरसाइजेस तुम्हारी स्पाइन पर प्रेशर डालती हैं, तो इनसे बचे रहना। ओके, बाय।